डीएन हरियाणा देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देख पा रहे हैं जैसे कि पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त पर हैं। क्या है मामला जानेंगे। सभी अपने दुकानों के सामने दौड़ लगाएं। सर किस तरह की गश्त निकाली जा रही है। ये कोविड के नियमों के संबंध में चेक किया जा रहा है। सभी दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वो खुद भी मास्क लगाएं और जो कोविड की हिदायतें हैं उनका पालन करें। कौन कौन सी नई गाइडलाइन आई है सर। अभी गाइडलाइन यही है कि दूध की और सब्जी फल और मेडिकल जो है वो 6 बजे तक सभी दुकानें, इसके अलावा सभी दुकानें 6 बजे तक का टाइम दिया गया है। जो फ्रूट और सब्जी वाली जो दुकानें हैं उनको छूट दी गई है किराना स्टोर को लेकर, बाकी हाँ, सभी दुकानें 6 बजे बंद होंगी। मेडिकल दूध और फल सब्जी जो है उसके लिए है ये, और बाकी सभी 6 बजे तक का टाइम है। तो सभी दुकानदारों से हमारा अनुरोध है कि वो खुद भी इस संबंध में पालना करें और कस्टमर से भी अनुरोध करें। एक और दुकानदारों के अंदर भ्रम है कि मास्क को लेकर, मास्क के लिए क्या गाइडलाइन है। मास्क के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क लगाना अनिवार्य है। बिल्कुल। तो सभी से अनुरोध है खुद भी मास्क लगाएं और कस्टमरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। क्या नाम है सर आपका। इंस्पेक्टर संबंधित है। ये देखिए भाई, पुलिस द्वारा लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां और लगातार घूम रही है बाजार में, लोगों को कोरोना को लेकर सचेत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जुराना का जो बाज़ार है ठीक 6 बजे बंद हो चुका है इस समय, और पुलिस लगातार गश्त पर है। देखा जा सकता है पुलिस प्रशासन लगातार गश्त पर बना हुआ है। जैसे ही 6 बजे पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ गश्त पर आई, कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन कराया जा रहा है। जुराना में बाजार के मध्य से गुजरती पुलिस की गाड़ी देखी जा सकती है। कोरोना के नियमों को देखते हुए, कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए पुलिस की गाड़ी लगातार गश्त पर है। बने रही है आप इसी तरह की जानकारी के लिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया जुलाना के रेलवे रोड से।